मैं जा रहा हूँ बाइक की सर्विस के लिए, ये चीज़ आपको बताई मैंने। लेकिन इस वीडियो में अपन लोग क्या क्या रखने वाले हैं आज, कि एक बाइक को ओन करने के लिए आपको कितनी चीज़ें चाहिए होती है, मतलब कितना विटामिन एम लगेगा, कितना पैसा आप लोगों को लगेगा। ठीक है जी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द वेरी न्यू व्लॉग। मैं हूँ प्रयास चौधरी, आप देख रहे हो पीसी ब्लॉगर। आई होप आप चैनल पर नए नहीं हो, पुराने हो तो आपको सारी चीज़ें पता रहेंगी। मैंने मेरी नई बाइक BMW GS रिटर्न लेने के बाद मैं कैसे कैसे ब्लॉग्स डाले, और अभी क्या है ना, इसका हो गया पूरा टाइम, मतलब किलोमीटर इसके ऑलमोस्ट हो चुके हैं 800 से ऊपर, और मैं पहुंचूंगा वहां पे BMW का शोरूम लेके सर्विस कराने के लिए ना, तो ऑलमोस्ट अराउंड 1000 किलोमीटर्स हो जाएंगे। तो इसी के लिए मैं आज निकला हूं घर से सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, और ब्लॉग शुरू कर रहा हूं मैं यमुना एक्सप्रेसवे से, क्योंकि मुझे दिल्ली जाना पड़ता भाई अपने घर से बाइक की सर्विसिंग कराने के लिए। तो आज की स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं ऑलमोस्ट अपना आधा रास्ता कवर करने के बाद। अभी मुझे यहाँ से जाना है अराउंड 80 किलोमीटर्स पूरा चलना भाई अभी मेरे को। यहाँ से निकल रहा हूँ आगे, तो मैं सोचा एक स्टोरी डाल देता हूँ एक फ़ोटो क्लिक करके, पर फिर मैंने देखा ना बाइक यार इतनी प्यारी लग रही है आगे से ये वाले एंगल से, आई होप आप लोग देख पा रहे हो बहुत अच्छे से। और पीछे इस वाले व्यू के साथ क्या मस्त मस्त फोटो आ रहा था। आई शेयर दैट रील, आई शेयर दैट फोटो ऑन इंस्टाग्राम, अगर आप लोग वहाँ पे नहीं फॉलो करते तो फॉलो करो, आपको पता चल जाएगा क्या मैंने डाला भाई। मज़ेदार लग रही है यार, मैं तो भाई आई एम तो मोर देन हैप्पी। इसको चला के क्या ही मज़ा आ रहा है आपको बताता हूँ सीधे चलते चलते, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है ना अभी ऐसे, अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो पहुँचना भी अपने को ओखला सीधे। तो रास्ते में आपसे बात करते हुए चलते हैं, बने रहिएगा व्लॉग में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मे बी शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो या वैल्यूएबल रहे शायद, अगर आप राइड करो कभी इन फ्यूचर, और अगर राइडर हो तो मे बी शायद आपको कुछ हेल्पफुल लग जाए। तो मिलते हैं सीधे मोटर व्लॉग में भाई। अभी मैं निकल गया यहाँ से, तो अभी क्या है ना, यहाँ से ऑलमोस्ट अराउंड 68 किलोमीटर्स BMW ओखला, और टाइम दिखा रहा है लगभग 1 घंटा 20 मिनट, तो अपन 1.5 घंटा लेके चलते हैं, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक मिलता है ना तो मे बी शायद लेट भी हो सकता है। तो अभी का प्लान क्या है ना, मेरे को जाना है बाइक देनी है सर्विसिंग के लिए, फिर उसके बाद उनको करीब करीब 4 घंटा लगेगा मतलब सर्विसिंग कर रहे हैं मैं पूरा टाइम, तो वो पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दूंगा। आज मेन जो अपन जा रहे हैं वो इसकी सर्विसिंग का काम, एंड देन उसके बाद अगर टाइम बचता है शाम को तो मैं जाऊंगा भाई इसको लेके अगेन इन करौल बाग, और करौल बाग में जाके फिर इस पर कुछ चीज़ें इंस्टॉल और हम करवाएंगे, जैसे मेरे को इसमें सैडल स्टे इंस्टॉल करना है। अभी क्या हो गया, सैडल स्टे इंस्टॉल करना है ठीक है। तो क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ थोड़े से ना लंबे लंबे, अभी अपन करेंगे अभी जल्दी भी हो सकता है इन फ्यूचर, तो वो सारी चीज़ें, और इसके लिए ना टॉप बॉक्स अपन के पास आ रहा है बहुत जल्दी, टॉप बॉक्स आ रहा है और सैडल बैग्स, अभी मैं उसके साथ थोड़ी सी हैबिट डालूंगा क्योंकि उसके बाद ना बाइक काफ़ी चौड़ी हो जाती है, तो बेहतर है कि मैं पहले उसकी थोड़ी सी आदत डालूं चलाने की, देन उसके बाद आई प्लान फॉर पेनियस, और स्टार्टिंग में इतने पैसे मैं डाल दूं और मुझे सही नहीं लगे मतलब इतना वेट लेके अगर बाइक चलाना, क्योंकि भाई देखो मैं स्विच किया है स्पोर्ट्स बाइक से सीधे इस पर, ये बाइक नो डाउट बहुत कम्फर्टेबल है और इसको जितना हम लोड कर लेते हैं ना उसके बाद बहुत अच्छी चलती है, तो बट हू नोस मतलब क्या फील आए चलाने में कैसा आए, अगर नहीं हुआ बाद में मन मेरा पेनियस लगाने का और मैंने पैसे डाल दिए उसमें 60-70 हज़ार रुपये अभी से, तो वो थोड़ा सा मतलब वेस्ट रहेगा ना, और अपने पास भाई इतना पैसा नहीं है सारा पैसा ये ले गई, तो उसके लिए थोड़ा सोच समझ के काम करने पड़ेंगे भाई, मतलब ऐसे ना ऐसे ऐसे पॉकेट को ना दबा दबा के काम करना पड़ेगा, बट ठीक है अभी के लिए यही है। अपन चलते हैं यहाँ से सीधे ओखला, रास्ता भाई एक नंबर है, मक्खर है यहाँ पर, मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को मैं बाइक लेके चलता रहूँ, नो डाउट भाई बाइक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। पता है हम लोगों के साथ में ना बहुत सारी चीज़ें होती है, सारी मैं बताऊँगा तो आप व्लॉग भी नहीं देखोगे, इतना लंबा व्लॉग हो जाएगा, पर ठीक है अच्छा नहीं लगे तो आप थोड़ा सा स्किप मार देना भाई 1-2 मिनट का चलेगा, क्योंकि लेकिन ये है थोड़ा सा कि हम लोग ना जब बाइक लेने जाते हैं ना, तो जब मैं मतलब मेरी काफ़ी यंग था, मैं मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं थी, मैंने फर्स्ट बाइक मिली थी अपनी R15, मतलब अपनी जॉब लगने के बाद जो मैंने पहली बाइक ली, ऑल दो फैमिली का हमेशा सपोर्ट रहा है मेरे को, मैं उनके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा और ना मैंने किया अभी तक, तो वो जो मेरी बाइक थी पहली, मैं स्पोर्ट्स बाइक ली भाई, और पता नहीं मैंने क्यों ली वो बाइक, मे बी उस टाइम में मुझे लगा था कि वो ना देखो R15 मैंने ली ना, तो मैं जब 9th क्लास में था ना तो मेरा क्रश था भाई R15 बाइक, उस टाइम जब मैंने देखी थी ना भाई बहुत बहुत ज़बरदस्त बाइक थी, इसलिए मैंने R15 ली। बट ना अभी क्या है ना, मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ ठीक है, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, एडवेंचर बाइक थोड़ी सी अच्छी लगती है मेरे को, थोड़ा कंफर्ट भी होना चाहिए उसके लिए, बाइक बहुत अच्छी थी R15, लेकिन अभी अगर कोई मेरे को बोलता है कि भाई आपको बाइक लेनी चाहिए तो मैं
not suggested to buy R15 or any other sports bike if you are into touring or in adventure kind of things. Bike मत लेना. लोग करते हैं, लोग अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए या फिर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता इसलिए वो लोग करते हैं. लेकिन जब बाइक ले रहे होते हैं तो उस टाइम ऑप्शन होता है काफ़ी सारे भाई. तो आप थोड़ा सा अपना बजट इधर उधर करोगे कम बजट में भी काम हो जाएगा. ज़्यादा भी अगर आपको करना है और कम्फर्ट चाहिए तो ज़्यादा भी लगता है. लेकिन यू कैन गो फॉर बेटर बाइक्स जिनका पॉस्चर अच्छा हो, जिनकी पावर थोड़ी सी अच्छी हो और स्मूथ हो बाइक्स. तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ना. बाकी तो यार आपकी मर्जी है. तो बस आपकी अपनी पसंद है बाइक और जिस काम के लिए आप ले रहे हो वो चीज़ पहले से थोड़ा डिसाइड कर लेना. लंबे टूरिंग के लिए ले रहे हो तो भाई स्पोर्ट्स बाइक मत लेना वरना आपके लग जाएंगे. बस इतना ही बोलना था मुझे, बहुत ज़्यादा बोल दिया आई नो. तो आप लोग स्किप कर सकते हो अगर ये पार्ट आपको लगे तो. मैं जाता हूँ सीधे जाके सर्विसिंग कराता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे प्रोसेस रहता है, कितना खर्चा आता है, वो सब बने रहेगा ब्लॉग में. और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लिया करो भाई. मैं आपका भाई प्रयास ये वीडियोस लेके आता रहता हूँ, इतने प्रयास करता हूँ वीडियो डालने के लिए. तो आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास करके वो लाइक वाला बटन और सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को. मैं मिलता हूँ आप लोगों को आगे. देखो भाई अगर आप यमुना एक्स से पे हो और आपको कोई स्पोर्ट्स बाइक वाला बंदा कोई भी बाइक अगर आपको ऐसे स्लो चलाते हुए दिख जाए 70-80 की स्पीड पर तो समझ लेना या तो उसकी बाइक नई है या फिर बंदा बहुत ज़्यादा शरीफ है भाई. क्योंकि मेरे सामने अभी एक बाइक जा रही है R15 V4 है आई गेस. तो भाई अभी चल रहा है अराउंड 80 की स्पीड पर जबकि यहाँ पे स्पीड लिमिट है अराउंड 100 बाइक्स के लिए भी. तो उसकी बाइक पर ना नंबर प्लेट नहीं, मैं आपको जाके दिखाता हूँ. अभी देखो ये देखो बाइक ना नई है, नई बाइक में इसका नंबर प्लेट नहीं है इसलिए इतनी स्लो चलती है. नहीं तो भाई बाइक स्लो नहीं चलती है यमुना एक्सप्रेस वे पे. पर ठीक है चलो अपन चलते हैं, अपने साथ भी तो यही इशू है ना. अभी तो भाई यमुना एक्सप्रेस भी यहीं ख़त्म हो जाता है और सामने आपको मेट्रो चलती हुई दिख रही है मतलब बी और इन नोएडा राइट नाउ. ठीक है जी. तो अभी देखो मैं आपको ना एक चीज़ बता देता हूँ, मैं जा रहा हूँ बाइक की सर्विस के लिए. ये चीज़ आपको बताई मैंने. लेकिन इस वीडियो में अपन लोग क्या क्या रखने वाले हैं आज कि एक बाइक को ओन करने के लिए आपको कितनी चीज़ें चाहिए होती है, मतलब कितना विटामिन एम लगेगा, कितना पैसा आप लोगों को लगेगा. ठीक है जी. तो एक सर्विसिंग कॉस्ट होती है इसकी, इसका देखो फ्यूल का कंजप्शन कितना है उस पर भी डिपेंड करता है आपको कितना भरने वाली इसकी कॉस्ट. उसके बाद में आपका ट्रैवल कितना है, इसका मेंटेनेंस कितना है अदर देन सर्विसिंग कॉस्ट, कितना टायर्स चल जाते हैं, इससे अलग और कौन कौन से इश्यूज होते हैं इसमें जो आपको टाइम टू टाइम चेंज करने या फिर इसमें आपको मेंटेन करना पड़ता है बाइक में. तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, पूरा सब कुछ कैसा बनता है सब आपको पता चल ही जाएगा. और भाई मैं यहाँ पे आके ना मेरे को ना थोड़ा सा ना ऐसा घबराहट सी होने लग जाती है, मतलब घबराहट वैसे मैं घबराता नहीं चीज़ें लेकिन यहाँ का ना ट्रैफिक से ना मेरा थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है. घबराहट तो क्या ही होगी भाई. लोग एंटर इन दिल्ली. देखो दिख गया कैसे पता चला, क्योंकि ट्रैफिक आ गया भाई. आगे ना यहाँ पे एक टोल बूथ है और ये ना भाई ख़तरनाक ट्रैफिक रहता है इस पर. मैंने कई बार पहले भी आया हूँ, मेरे को यहाँ हमेशा ही ट्रैफिक मिलता है. अगर कभी ट्रैफिक नहीं मिला ना इट मीन्स लक ना बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो गाइस फाइनली पहुँच गया BMW मोटरार्ड, बस बगल में ही है यार. यहाँ इथेनर की बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, मतलब गंदी क्या अच्छी लगती है मेरे को. बट ये आगे जी अपनी डेस्टिनेशन ऑन द लेफ्ट. गूगल मैप अपने को परेशान करता रहता है बट ठीक है जी, उसका भी काम है और अपना भी काम है. तो ये लगा देता हूँ बाइक इधर. बाइक लगाता हूँ, बाकी जाके देखता हूँ किधर जाना है सर्विसिंग के लिए और किससे कैसे बात करनी है जी, कितना सब टाइम लगेगा, कितना खर्चा आने वाला है वो सब आपको बाद में बताऊँगा. अभी जाके बाइक देता हूँ, देन सी यू सून. भाई वो खड़ी अपनी बाइक, इंस्पेक्शन डन. उन लोग को जो करना था अभी ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन था और मेरे को भी एक USB इंस्टॉल करवाना उसमें माउंट चार्जिंग के लिए, तो वो भी करवा दिया मैंने, मतलब दे दिया उनको ऑर्डर. तो इसमें अराउंड 4 आवर्स लगेंगे भाई सर्विसिंग के लिए. तो हम प्लानिंग टू गो समवेयर, मैं देखता हूँ क्योंकि इतना टाइम तो बैठ नहीं सकते यहाँ पे. थोड़ा बहुत ऑफिस का भी काम है वो भी ख़त्म करूँगा, देन उसके बाद जैसे ही मैं वापस आऊँगा तो बाइक करते रिसीव एंड देन उसके बाद मैं आपको पूरा कोड बता दूँ क्या सब कितना खर्चा होने वाला है और कितना मैं कर चुका हूँ अभी. और भी काफ़ी सारी चीज़ें, थोड़ा जल्दी फ्री हुआ तो घर बाग जाएंगे, अदरवाइज़ सीधे घर जाना पड़ेगा भाई. तो सर्विसिंग के बाद ही मिलते हैं, अभी तो फ्री की कॉफ़ी मंगाइए, कॉफ़ी चटकाते पर निकलते हैं आपसे. A few moments later. तो भाई ये खड़ी अपनी बाइक, सर्विस हो गई है और मैं हो गया बहुत ज़्यादा लेट यार. मैं इधर उधर घूम गया था, पूरी स्टोरी आपको बताता हूँ घर पर जाके.
तो अभी बाइक को लेके चलते हैं घर पे, सीधे आपको मिलता हूँ घर पे जाके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है ब्रॉस, बहुत आगे जाना है मेरे को अभी, क्योंकि ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर अभी जाना है घर के लिए। तो निकलता हूँ अभी बाइक लेके, मिलता हूँ आप लोगों को सीधे घर जाके।